आज मैं आपके लिए और एक नया न्यू ब्लॉग लेके आ रही हूँ। वो ये है कि आज की रूटीन में क्या हो रहा है। अभी मेरी सिस्टर की शादी है गाइज, उसकी साफ सफाई। तो सो गाइज, मेरी वीडियो को एंड तक देखे और बिल्कुल देखे और फुल इंजॉय के साथ देखे गाइज। हम तो ज़्यादातर साग यूज़ करते हैं यहाँ पर सब्जी के तौर पर और इसका भरता टाइप के तौर पर। चलिए मेरे खेत में बताती हूँ साग की वैरायटी। गाइस देखिए, ये वो साग है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच लंबाई होती है। और इसमें देखिए नोकीले कांटे होते हैं, ध्यान से देखिए गाइस, नोकीले कांटे होते हैं। इस साग की खासियत का पता चलता है इसमें, देखिए गाइस यहाँ पर नोकीले कांटे लगे हुए इस साग में, छोटे छोटे। और इससे पता चलता है कि ये प्योर देसी साग है, पहाड़ी साग, जिसको ये मैंने आपको साग बताया, पहाड़ी देसी साग जो सिर्फ हिल एरिया में पाया जाता है, जैसे कि किन्नौर हो और रामपुर बुशहर हो, इन एरियों में ये पाया जाता है गाइस। ये प्योर देसी पहाड़ी हुड़ी है गाइस। इसकी खासियत ये है, जिस घर में ये होता है गाइज, उस घर में क्यों किसी का नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आती गाइज, पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आती है। ऐसा ट्रेडिशन है गाइज यहाँ का लोगों का, कि अगर हम एक थोड़ी को घर में रखेंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएगी। जो साथ में मेरे पिताजी, हाय बोलो भाई, पिताजी मेरे गाइज को, मेरे फ्रेंड को हाय बोलो। देखो उन्होंने हाय बोल दिया गाइज आपको। और इनकी ऐसी मान्यता है कि हुड़ी घर में होगा तो नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होगी, इसलिए घर में एक हुड़ी होना बहुत जरूरी है गाइज। सो गाइज ये मेरा हुड़ी है, ये अभी खाने में मस्त है गाइज, देखिए ये बिल्कुल नहीं देखता है ऊपर की ओर। और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है गाइज, गाइज ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर मैं इसके पास ना जाऊं तो बहुत उदास हो जाता है गाइज। तो गाइज मैंने इसका इंट्रो भी करवाया, अभी ये करेगा ऊपर की ओर मुंह क्योंकि ये खा रहा है, अभी इसको भूख बहुत लगी हुई थी। इसका नाम राजा है गाइज, राजा ऊपर की ओर देखो तो, ओ राजा राजा राजा, देखिए देखिए गाइस आ गया ये, इसका नाम राजा है। देखिए गाइस ये नोटी नोटी खेलता भी है गाइस, इसका नाम राजा है गाइस। तो सो गाइस मेरा हुड़ी का ब्लॉग आपको पसंद है, अपनी भाषा में हम 15वीं शेरी में हुड़ी बोलते हैं गाइस। ओके गाइस, गाइस मैं आपके लिए यूं ही सीजन के हिसाब से नए नए ब्लॉग शूट करती रहूंगी। आपकी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हिम फेरी। बाय गाइज, फिर मिलूंगी नए ब्लॉग के।